स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी इंपॉर्टेंट एनसीआरटीज टेक्सुअल प्रॉब्लम्स अप टू सिक्स क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस कर लिया था नेक्स्ट है आपके पास सेवेंथ क्वेश्चन नंबर वट वुड वी ऑब्जर्व वेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट राइट ए केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस अगर आप आयरन सॉरी जिंक को ऐड करते हैं फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन में तो या आयरन सल सल्फेट क्या है सॉल्यूशन में अगर आप एफ ई एस ओ फोर में डिप करते हैं तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होती है अब आप देखो आपने ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास क्या होती है uh, जो अरेंजमेंट की जाती है मेटल्स की अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन मेटल्स को इस टाइप से अरेंज किया जाता है एक सीरीज में तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन से अबव है वो आपकी रिएक्टिव मेटल्स है अगर हम हाइड्रोजन से बिलो की बात करें तो ये लिस्ट रिएक्टिव है रिएक्टिव मेटल्स अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर हम टॉप टू बॉटम ठीक है तो टॉप टू बॉटम ये क्या करेगी डिक्रीज अगर हम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन बात करें तो ये आपकी इंक्रीज करेगी रिएक्टिविटी तो हमने रिएक्टिविटी मेटल्स की देखनी है कि मेटल आपका अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ पे प्रेजेंट है अगर आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो आपका हायर uh, जो रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस नहीं करेगा लेकिन अगर आपका क्या है मेटल uh, रिएक्टिव है ज़्यादा तो वो जो आपका सोल्यूशन में लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करके क्या है वहाँ पे रिएक्शन देगा और वहाँ अगर हम बात करें कि अगर आपका लीस्ट रिएक्टिव है और सॉल्यूशन आपका रिएक्टिव मेटल्स का है तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होगी मेटल्स की तो यहाँ पर क्या होता है कि द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन वुड स्लोली डिसअपियर जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का क्या है ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं आपका आयरन सल्फेट का ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे जब आप जिंक के आयरन uh, को क्या है जिंक को रॉड को या मेटल को क्या है डिप करते हैं तो धीरे धीरे वो डिसोसिएट होना लगती है मतलब जिंक आपका टूटना टूटने लगता है जिंक प्लस आपके जो सॉलिड है वो आपका कन्वर्ट होता है जिंक टू पॉजिटिव एक्वस में प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है ठीक है ये डिसोसिएशन होता है आपका जिंक रॉड का अब ये आयन जो है ये सॉल्यूशन में जाते हैं अब ये क्या करेंगे आपको पता है जिंक देखो यहाँ पे आपकी आयरन से हायर रिएक्टिविटी है शो कर रहा है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है हायर पोजीशन पे है तो यहाँ पे मीन्स आपका जो जिंक है वो आपका ग्रेटर या आपका रिएक्टिव है ज़्यादा आयरन से तो यहाँ पे क्या होगा जिंक वुड ग्रे, ग्रेजुअली डिजोल्व एंड आयरन वुड गेट प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर तो यहाँ पे क्या है जो जिंक है वो आपका क्या है रिप्लेस कर देगा यहाँ पे ठीक है जो ये आपका जिंक है जिंक सल्फेट अब देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट है आयरन सल्फेट आपका एफ ई टू पॉजिटिव प्लस आपका एस ओ फोर टू नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा जिंक आपका क्या है जिंक ये रिएक्शन दे रहा है तो अब क्या होगा जो ये जिंक है ये रिप्लेस कर देगा ये इसके साथ क्या है आपका फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा ये मिक्स हो जाएगा आयरन बचा और टू इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके क्या है आयरन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा बॉटम में बिकर के बॉटम में जो आयरन है वो आपका क्या है बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा तो मतलब क्या होता है जब भी आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है जिंक वो आपका लेस रिएक्टिव मेटल आयरन को क्या है रिप्लेस कर देगा और वहाँ पे सॉल्यूशन uh, फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट का इसलिए वो जो कलर है वो ग्रेजुअली आपका क्या है कलर uh, डिसअपेयर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज एट राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए तो यहाँ पे अगर हम uh, बात करें आपकी सोडियम की तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सॉरी यहाँ पे इलेवन एटॉमिक नंबर है सोडियम का और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक uh, डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपको पता है टू एन स्क्वेयर रूल फॉलो करता है तो वहाँ पे आपके क्या है इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे टू आपका अगर हम एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये फिक्स शेल होते हैं आपके के एल एम एन के एल एम ठीक है वन टू थ्री से भी डिनोट करता है तो यहाँ पे हर डिस्ट्रीब्यूशन टू एंड स्क्वेयर रूल से होता है तो फर्स्ट शेल में वैसे मैक्सिमम टू एट फिर एटीन ऐसे होता है बट नेक्स्ट uh, जो ऑक्टेट रूल आता है तो वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास एट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट मोस्ट शेल में कंप्लीट होते हैं तो फर्दर वो नेक्स्ट शेल में एंटर करेगा मींस एटीन इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होंगे वहाँ पे एट ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और बाकी आपके नेक्स्ट शेल में एंटर करेगा तो यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या आएगी टू एट वन ठीक है मतलब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम आपके टू एंड स्क्वेयर रूल से क्या है टू इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे फिर एट फिर वन फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की बात होती है तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में हम डिनोट करते हैं वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिर्फ उसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम इलेवन एटॉमिक नंबर है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन uh, की बात करें तो टू एन स्क्वायर से फिल होती है तो अगर हम एटम की स्ट्रक्चर है आपके पास इलेवन इलेक्ट्रॉन्स है तो सेंटर में न्यूक्लियस है अराउंड द न्यूक्लियस ये आपके फिक्स्ड ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रहा है तो अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो टू इंटू एन वन ये एन इक्वल टू वन के लिए है ये टू के लिए ये आपका एन इक्वल टू थ्री के लिए अगर फीलिंग की बात करें तो यहाँ पे टू एन स्क्र अगर मैक्सिमम क्या है टू इलेक्ट्रॉन फिल होंगे अगर सेकंड शेल की बात करें टू स्क्वायेर इंटू मैक्सीम आपके एट इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे अगर थर्ड शेल की बात करें इन आपका टू का स्क्वायर सॉरी थ्री का स्क्वायर तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम एटीन इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे बट क्या होता है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है ठीक है एटीन इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में फिल नहीं होते हैं वहाँ पे नेक्स्ट क्या रूल आता है ऑक्टेट रूल आता है वहाँ पे आपकी फ़िलिंग क्या होती है मैक्सिमम आपके एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्दर इसके बाद जो ऐड होगा वो आपका नेक्स्ट शेल में चला जाएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन इक्वल टू थ्री है तो एटीन इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ तक तो ठीक है अगर हम के एल एम की बात कर करते हैं लेकिन फोर्थ शेल में जो एटीन इलेक्ट्रॉन्स है आपके एन इक्वल टू फोर में यहाँ पे जो फीलिंग होगी वो फर्दर आपकी क्या है एट uh, इलेक्ट्रॉन्स जो uh, यहाँ पे आपके फर्स्ट शेल में टू फिर एट फिर एटीन एटीन नहीं होंगे वहाँ पे एट और फर्दर आपके इलेक्ट्रॉन्स uh, फिल होंगे नेक्स्ट शेल में एन शेल में तो इस टाइप से फिलिंग कर करनी है तो अगर सोडियम की बात करें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है एन में फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम फिर सेकंड में एट बचे कितना वन तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई टू एट वन जब हम डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसी भी एलिमेंट का तो वहाँ पे जो सोडियम है वो कोई भी मेटल है तो जो उसकी आउटमो शेल में प्रेजेंट है लास्ट में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन है तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे सिमिलरली आपके पास सेकेंड एलिमेंट है मैग्नीशियम ठीक है मैग्नीशियम की बात करते हैं अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ट्वेल्व है तो ट्वेल्व है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू एट टू टू एट टू मतलब यहाँ पे आउटोमो शेल में कितने हैं आपके टू इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये ऐसे करके टू इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे भी शो कर सकते हैं या आप ऐसे भी शो कर सकते हैं ठीक है तो इस टाइप से इसके पास क्या है टू इलेक्ट्रॉन आउटोमो शेल में ये इसकी डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी फिर नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन की डॉट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका क्या है एट है तो यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो टू सिक्स एट हो गए ना टोटल फर्स्ट शेल में आपके टू फिर आपके सिक्स इलेक्ट्रॉन तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो आपके सिक्स इलेक्ट्रॉन मीन्स टू यहाँ पे टू टू ये हो गए टू ये हो गए मतलब ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन की आएगी जितने आपके लास्ट शब, शब शेल या एनर्जी लेवल या आप बोल सकते हो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इनको बोलते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वही आपने इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में डॉट प्रेजेंट करने मीन्स अगर सोडियम की बात की तो वहाँ पे आपके आउटर मोव शल में वन इलेक्ट्रॉन्स था तो वन डॉट आ जाएगा अगर मैग्नीशियम की बात की तो यहाँ पे टू डॉट थे अगर हमने ऑक्सीजन की बात करी तो आउटर शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहाँ पे सिक्स डॉट आपने अराउंड दी एटम ड्रॉ करने तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी किसी भी एटम की नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आपने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आ, डिस्कस करना है जो ये फॉर्म करना है आ, सोडियम ऑक्साइड अब देखो सोडियम की डॉट स्ट्रक्चर ये है ठीक है ऑक्सीजन की आपकी क्या है ये है आ, टू टू इलेक्ट्रॉन ये हो गए टू ये हो गए अब देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर कब होती है किसी भी एटम आट, को आउटोमोस शेल में कंप्लीट कितने चाहिए एट इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए एट इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को कितने की नीड है यहाँ पे इसके पास अपने क्या है सिक्स इलेक्ट्रॉन है मीन्स इसको क्या है टू की नीड है टू इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो एक ये यहाँ से लेगा ठीक है एक ये सेकेंड सोडियम से लेगा तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा एन ए टू ओ इस टाइप से ठीक है तो टू इलेक्ट्रॉन्स क्या है सोडियम से ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किए और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया और आपको पता है जो इसके पास सोडियम के पास क्या है वन वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं टू एट वन मीन्स इसके पास स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा वन इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्सीजन को दे देगा तो यहाँ पे इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका अगर हम नेक्स्ट जो आपके पास कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की बात करते हैं आपको पता है इसका ट्वेल्व है तो टू एट टू कॉन्फिगेशन हो जाएगी ऑक्सीजन का क्या है टू सिक्स अब यहाँ पे हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपकी टू आपके मैग्नीशियम के पास आ गए और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या होगा अब इसको क्या है नीड है एट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो ये एक्सेप्ट करेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम के पास एक्स्ट्रा टू इलेक्ट्रॉन्स है फिर इसकी स्टेबल कॉन्ट्रिग्यूशन हो जाएगी टू एट तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा यहाँ से भी डोनेट करेगा अपने टू इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे जो फॉर्मूला फॉर्म form होगा वो एम जी ओ मतलब आपके दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही मैग्नीशियम से फॉर्म हो रहे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का तो इस टाइप से ये फॉर्मूले आपके क्रिएट होंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से